सिर्फ सर नहीं जी, नहीं जी डॉक्टर को बुलाइए। अपने इस पापा का वो गुरूर चकना चूर कर दिया। मुझे मेरी जिंदगी का अतीत ही नहीं मालूम है। क्या मेरी जिंदगी में कोई था या नहीं? अगर कोई था भी तो अब कहाँ होगा? क्या तुम मेरी बेटी सीमा से शादी करोगे? किसी के घर में पता नहीं कैसे रह सकती है, ना जान ना पहचान, जबरदस्ती घर में घुस गई। सर रोहित, मुझे आपका फैसला मंजूर है। रोहित, ये तुम ही कह रहे हो ना? नहीं, मेरा मतलब है ये बात तुम किसी दबाव में या इसलिए तो नहीं कह रहे कि मैंने तुमसे कहा था? सर, मैंने ये फैसला दिल से लिया है। थैंक्स रोहित, थैंक्स। तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। गॉड ब्लेस यू रोहित, गॉड ब्लेस यू। कितना कमजोर है इंसान, अपने आप से तो खुद अपनी जिंदगी का फैसला भी नहीं कर सकता। होता वही है जो वक्त और हालात की मर्जी होती है। मंशा और दिया के बाद वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो बस ये किसी की खुशियां लौटाने में काम आ जाए तो समझूंगा कि जिंदगी बेकार नहीं गई। इससे किसी के चेहरे पर हंसी तो आई। बोलती हूँ ना, ठहर जा, पता नहीं देंगे। उफ़ छोड़ ना ब्रेज, प्लीज काजल को परमिशन दे दो ना। अंजना, आज मैं बहुत खुश हूँ। ब्रेज, क्या हुआ, क्या बात है? रंजना, मैंने अपनी सीमा के लिए लड़का ढूंढ लिया। क्या सच? कौन है वो? देखा देखा, लड़के का नाम सुनते ही आ गई ना खुशी तुम्हारे चेहरे पर। लड़के का नाम है रोहित। सच डैड? हाँ सच। क्यों रंजना, कैसी रहेगी जोड़ी? वो डेडली कॉम्बिनेशन डैड, मगर एक प्रॉब्लम तो है। अब मैं दीदी को दीदी बोलती हूँ और भैया को भैया, तो शादी के बाद किसका डेजिग्नेशन चेंज करूंगी, भाभी या जीजू? जैसा तुम चाहो। क्या बात है रंजना, तुम खुश नहीं हो? नहीं, वो बात नहीं है। मेरा मतलब था कि रोहित शादीशुदा है, उसके बच्चे भी है। रंजना, रोहित शादीशुदा है नहीं, था, लेकिन अब वो अकेला है। सच पूछो तो उसका कोई नहीं है। लेकिन जनाब, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मुझे बताओ क्या कमी है रोहित में? और फिर रोहित जैसा लड़का तो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्सिबल है, लविंग है, हैंडसम है, और क्या चाहिए? रंजना, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रोहित हमारी सीमा को बहुत खुश रखेगा। पता नहीं आप मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे। मामा, रोहित भैया तो मुझे भी बहुत पसंद है,
हम उन्हें जानते हैं, पसंद करते हैं, और किसी अनजान से शादी करने से तो ये 100 times बेटर है, क्यों डैड? देखो रंजना, रोहित का कोई नहीं है, वो अकेला है, उसे परिवार मिल जाएगा और हमें बेटा। हालांकि मैंने बेटे की कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि बेटियों से हमें इतना प्यार मिला है, लेकिन पता नहीं क्यों रोहित के आने के बाद मुझे बेटे की कमी महसूस होने लगी और मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है, पर रोहित को भी ये रिश्ता मंजूर है, मैंने रोहित से पूछ लिया है। बेटा तुम्हें तो ये रिश्ता मंजूर है ना? चले जाते हैं सारा दिन। मिताली दीदी कहां पे हो? ये क्या? आप लोगों को हैरानी तो बहुत होगी इस लेटर के मिलने पर, लेकिन मैं जा रही हूं। जा रही हूं क्योंकि आप सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं वो सब जो आप लोगों ने किया उसे कभी भी नहीं भुला सकती, लेकिन अब नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और तकलीफ हो। बिना बताई जा रही हूँ, मेरी इस बात के लिए मुझे माफ कर देना। जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो मैं आप सब से मिलने जरूर आऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना मिताली। मंशा मिल गई काजल। मंशा? हाँ मंशा मेरी बीवी, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है काजल।
इसमें लिखा है कि मंशा जिंदा है। वो जो लिस्ट थी ना हॉस्पिटल में वो गलत थी, मंशा जिंदा इसमें लिखा है। उसके गले में लॉकेट मिला है जिस पर मंशा लिखा है। वो लॉकेट मैंने मंशा को दिया है काजल, मैंने दिया है मंशा को अपने हाथों से। ये मंशा उसकी याददाश्त खो बैठी है, लेकिन मुझे यकीन है अगर वो मुझे देखेगी उसे सब कुछ याद आ जाए। मंशा मेरी मंशा जिंदा है, वो शांति निकेतन आश्रम है। मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से शांति निकेतन आश्रम जाकर उसे लेकर आता हूँ। मंशा मंशा समझ में नहीं आता भैया कि मुझे आपकी खुशी में खुश होना चाहिए या फिर उदास। देखो रंजना, सीमा के गले में कितने सुंदर लगेगा ना। ये डिजाइन मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। रंजना, सीमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारी भी बेटी है वो। रेज, मैं अभी तो यही कह रही हूँ कि सीमा सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है। समझ में नहीं आ रहा उसकी शादी की इतनी जल्दी क्या है आपको। अभी तो उसे अपना करियर भी बनाना है। अरे उसके लिए वो है ना रोहित, वो शादी के बाद देखेगा ना, वही उसका संभालेगा खर्चे। और क्या, आप तो मेरी हर बात को ना मजाक में उड़ा दिया करो। अरे रंजना, हर माँ बाप के साथ ऐसा ही होता है। पहले तो सोचते हैं बेटी की शादी कब होगी, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो फिर सोचते हैं कुछ दिन और रह लेती तो अच्छा था। पता नहीं आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। रंजना भाई बहुत हो गया, अब इस बारे में ज्यादा बात मत करो। बात है बेटा, रो क्यों रही है तू? डैड, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। क्या रोहित भैया की बीवी मंशा भाभी जिंदा है? प्लेन क्रैश में उनकी मौत नहीं हुई क्या? हाँ पापा, रोहित भैया ने आज ही ऐड देखा कि मंशा भाभी जिंदा है और वो नारी निकेतन में है। रोहित भैया उन्हें ही लेने गए। अब मेरी बेटी सीमा का क्या होगा? वो फाइल मैडम को दे देना। अच्छा, अब तुम जाओ। मैं मंशा का। मंशा जी, मंशा वो न्यूज़पेपर में अभी ऐड दिया था आपने, वो जो एयर क्रैश में अपनी याददाश्त भूल गई थी, वो मंशा। मंशा, मंशा कहाँ है? थर्टीन ओके।
एक्सक्यूज मी, रिसेप्शन से पता चला कि आप मंशा के पति है। अच्छा वो आप आ गए, ये तो बस कुछ बोलती नहीं, चुप बैठी है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और इन्हें ले जाइए। डॉक्टर ये मंशा नहीं है क्या? हाँ ये मेरी मंशा नहीं है डॉक्टर। ओह आई एम सॉरी। पहले तो मैं मारी बात सांभलो। वो ऐसे कैसे चली गई? अरे भी जाने का कोई कारण तो होगा कि नहीं? हाँ कारण तो जरूर होगा, क्योंकि अरे वो अपने साथ कितनी खुश थी और ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है? ए कनुड़ा कनुड़ा तू मेरे को बोल, तूने उसको कुछ कहा? मम्मी शांति रख सो प्लीज, मैं भला क्यों कुछ कहूंगा। लेकिन उसका यहाँ से इस तरह जाना अजीब सा लग रहा है। अरे मम्मी ऐसी नहीं है वो। मुझे उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था? तेरे को कुछ बताया, कुछ बोला उसने तेरे को? नहीं मुझे तो कुछ बताया नहीं है, पर लगता है तुम्हारे बातों से और तुम्हारे ढोकला खाने की बातों से वो परेशान होकर चली गई होगी। आखा दिन बोलते रहते हो ढोकला खाओ ने ढोकला खाओ ने। बस 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 बहुत हुई अबे। अरे पहले से यहाँ इतनी परेशानियां हैं और तुम होगी बस मजाक सुनता है। अरे बा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिन कमला बेन आई थी ना, वो क्या क्या अनाप शनाप बोलती थी उसके बारे में, शायद उसने सांभर लिया होगा। बा मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि कमला बहन जैसी औरतों को तुम घर में आने क्यों देते हो। अरे भाई रिश्ता लेके आई सो आई, काम खत्म हुए चली जाए, पर उसे क्या पड़ी है अपने घर में कौन है क्या कर रहा है? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है अब कहाँ जाऊँ कहाँ ढूंढूँ उसे मैं, पर यहाँ पर नहीं है वो, ना शहर जानती ना यहाँ के रास्ते, कहाँ गई होगी वो। शांति निकेतन, शांति निकेतन मम्मी ये वही नारी निकेतन है जहाँ से हॉस्पिटल से भेजने वाले थे। पर वो वहां क्यों जाएगी? बा ये वही एक जगह जिसके बारे में वो जानती है, उस दिन उसने कहा भी था। मिताली तुम तो मेरे शादी के पीछे ऐसे पड़ गए जैसे वो जैसे कुछ सोच नहीं रहा आगे क्या कहे। मजाक उड़ा रही हूँ मेरा? समझ गया हूँ मैं, मम्मी ने कहा है मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए, है ना? जी नहीं, इसमें मेरा अपना कारण है। ओ, क्या कारण मैडम जरा बताइए। कारण ये है कि आप अगर शादी करेंगे तो इस घर में बहू आएगी और इस नए मेंबर से मेरे जाने के बाद इस घर में सुनापन नहीं रहेगा और कोई मुझे मिस नहीं करेगा। तुम कहाँ जाओगी? क्यों मैं जाऊंगी नहीं, मैं कब तक इस घर में बोझ बन के रहूंगी? मैं तो चली जाऊंगी अपने शांति निकेतन। शांति निकेतन? मम्मी मुझे पूरा यकीन है मिताली वहीं गई होगी। तो तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा, जल्दी जा और उसको लेके आ जा। हाँ बेटे, इससे पहले कि वो कहीं और चली जाए तू उसे घर लेके आ बेटा। अच्छा बेटा जी। हे भगवान अब तारे मारी बात सांभलनी पड़े, मेरे बेटे को सफलता देना, उसको मदद करना। क्यों भगवान, क्यों क्यों भगवान, क्यों किया ऐसा मेरे साथ, किया ऐसा मेरे साथ, मेरी मंशा को मुझसे छीन लिया, मुझसे छीन लिया। उसके 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 जाने के बाद बड़ी मुश्किल से उसके बिना उसकी यादों के सहारे जीने का हौसला जुटा पाया था, फिर तुमने एक उम्मीद जगाई और आज आज उस उम्मीद को भी तोड़ दिया। क्यों किया ऐसा मेरे साथ, किया ऐसा मेरे साथ?